नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7। हमारे संवाददाता पिंचू कुमार पांडे की रिपोर्ट जयनगर से। आदर्श प्लस टू उच्च विद्यालय मधुआ टांड का छात्र गौतम नाथ, प्रवीण कुमार वज्रुद्दीन ने 2021 में आयोजित नीट परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। गौतम नाथ अपने प्रथम प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 9126 कैटेगरी रैंक में 174 अंक 627, प्रवीण कुमार ऑल इंडिया रैंक 16000 कैटेगरी में 6508 अंक 606 तथा अजरुद्दीन ऑल इंडिया रैंक 106813 कैटेगरी रैंक में 2277 अंक 607 प्राप्त किया है। ज्ञात हो कि विद्यार्थी बचपन से ही उच्च विद्यालय मधुआ टांड विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और मेधावी विद्यार्थी रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य पुनीत यादव ने इन बच्चों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अपना लक्ष्य हासिल करें और देश और समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहें। इस शानदार सफलता पर प्राचार्य ने सफलतम विद्यार्थियों को बधाई दी, साथ ही साथ बधाई देने वालों में भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, प्रखंड प्रमुख जय प्रकाश राम, जीप सदस्य मुनिया देवी, नीशु कुमारी समेत कई लोगों ने बधाई दिया है। सर, चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। विद्यालय के विद्यार्थियों ने सफलता पाया है और बहुत बेहतरीन सफलता प्राप्त किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, और इस विद्यालय से अभी तक कितने ऐसे विद्यार्थी जो अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं? अच्छा सवाल डाला है आपने श्रीमान। आप हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इधर हमारे बीच जो अभी करंट कुछ बच्चे जो रिजल्ट यहाँ पे अभी दे रहे हैं, जो सामने हैं, सुधीर बर्नवाल, पुरु राज, ये सभी एक्स हैं, शिवम भदानी, मोहित राज मोदी, क्रिश बर्नवाल, गौरव सागर, रंजीत कुमार, जमशेदपुर मेडिकल, गौतम कुमार, रिम्स, अनिशा रानी, और नीट से ही हैं गौतम नाथ, प्रवीण कुमार, अजहरुद्दीन, मंजित कुमार, सूरज यादव, सुनीता कुमारी, मनोज कुमार दास, ये सभी स्कॉलर रहे अपने विद्यालय में और आज ये बड़े बड़े पदों पर भी जा रहे हैं। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, गौतम नाथ ये भी एक बढ़िया स्टूडेंट रहे हैं, साथ ही साथ सुनीता कुमारी जो कुशाग्र भी प्रवृत्ति की थी, और इसका एक डेफिनेशन था कि जो टास्क देता था मैं वो उसको करके दिखा के निश्चिंत हो जाती थी। तो ये सारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। मनोज कुमार दास जो बोल रहे हैं, एकदम सोबर माइंड का विद्यार्थी, और पढ़ने में तो इतना तेज कहना मुश्किल हो जाता था। तो इसी कड़ी में हमारे बीच जो बच्चे भी आप देख रहे हैं, इन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप तो बहुत बेहतर प्रदर्शन किए हो और आने वाला दिन आपका बहुत ही बेहतर हो, इसके लिए हम चाहेंगे। विद्यालय एक अच्छी मुकाम पे है सर, और दिन प्रतिदिन कहिए कि लगातार हर एक परीक्षा में यहाँ के बच्चे सफलता प्राप्त कर रहे हैं। पिछले दिन जो रिजल्ट हुआ IIT का, उसमें भी विद्यालय के दो तीन बच्चे सफलता प्राप्त किए, अच्छा रैंक लाए, और आज पुनः विद्यालय के छात्रों ने नीट क्वालिफाई किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस गौरव के क्षण में यहाँ पधारकर हमारे स्कूल के बच्चे प्रवीण और अजहर, जिन्होंने इसके साथ साथ गौतम नाथ, कई विद्यार्थी हैं जो नीट क्वालिफाई किए हैं, इन सभी बच्चों को भी मैं हार्दिक दिल से बधाई देना चाहूँगा। आज के समय में जो ये बच्चे अभी सफलता अर्जित किए हैं, ये हम लोग को शुरू से इसका आभास था, विश्वास था, चूँकि ये बच्चे यहाँ शुरू से पढ़े हैं, फ्रॉम बिगनिंग यहाँ से इनकी पढ़ाई चली है, और हम लोगों को पूरा विश्वास था कि ये लोग
अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आज अंतिम रूप से इन्होंने MBBS के लिए नीट क्वालिफाई किया है। मैं इन्हें और इनके पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा इस स्कूल परिवार की ओर से। और यह एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है अपने विद्यालय से, दिन प्रतिदिन बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो रहे हैं, इससे विद्यालय परिवार गौरवान्वित है और क्षेत्र में एक नई प्रेरणा के स्रोत ये बच्चे बन रहे हैं। इसे इन बच्चों को पुनः एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, जयनगर से प्रथम IITN इसी विद्यालय का प्रोडक्ट रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और JPSC क्वालिफाई भी इस विद्यालय के विद्यार्थी छात्रा ने की है और ICU के पद पर कार्यरत भी है। UPSC से कितने कदम दूर चल रहा है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, बताना चाहूँगा 1997 बैच का सुधीर कुमार बनवाल, जो तिलोकरी के रहने वाले हैं, मेरे यहाँ से फर्स्ट IITN बने। और उसके बाद IIT कई स्टूडेंट ने किया, इस बार भी तिलोकरी का ही मोहित राज मोदी और साहिल वर्मा और क्रिस बनवाल, ये तीन बच्चे अभी करेंट बैच में IIT निकाले हैं। UPSC के लिए ये लोग, यही बच्चे जो हैं UPSC क्वालिफाई करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इनका इंटरव्यू लिया तो बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग UPSC करेंगे। इसके पहले JPSC निकाल चुकी हैं सुनीता कुमारी जो अभी CEO हैं, और मनोज कुमार बेपो के हैं जो अभी शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं हजारीबाग में। तो इस तरह से ये लोग अभी भी लगे हैं कि मैं UPSC कंप्लीट करूंगा और क्षेत्र को एक नया सौगात देंगे। तो आशा है कि ये सभी लोग सफल होंगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।